आपको दिखाते हैं वैसी, जिस प्रयागराज के बहाने योगी सरकार पर हमलावर है उसी प्रयागराज में पत्थरबाजों के इलाज के लिए योगी का ऑपरेशन 59 क्या। अगर ये चीजें फिर से फ्राइडे को कोशिश करते हैं कुछ अराजक था तो कि माहौल खराब करेंगे तो प्रयागराज पुलिस का क्या टेक रहेगा? देखिए, ऐसा कि हमारी पूरी तैयारी है, ऐसा किसी भी कीमत पर नहीं होने दिया जाएगा, ऐसा होगा। योगी का ऑपरेशन 59 मोस्ट वांटेड, पत्थरबाजों के पीछे योगी की पुलिस, बुलडोजर तैयार, ऑर्डर का इंतजार, पत्थरबाज गैंग की उल्टी गिनती शुरू। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, दस। चेहरों की यही गिनती 59 पर खत्म होती है। पत्थरबाज कंपनी पर कानून का हंटर चलने वाला है। सही सुना आपने, पत्थरबाज गैंग ने सोचा था बच जाएंगे, लेकिन पुलिस का कमिटमेंट है कि पाताल में भी छिपे होंगे तो खोज लेंगे। आज 59 पत्थरबाजों की तस्वीरें प्रयागराज के चौक चौराहों पर चस्पा कर दी गई। सरल शब्दों में समझें तो अब पत्थरबाजों के पास एक ही रास्ता है, आत्मसमर्पण, वरना कानून के लंबे हाथों से बचना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। अलग तस्वीर आप देखेंगे यहाँ पर, ये देखिए, इसमें ये जो पत्थर लिए हुए हाथ में प्रॉपर सीसीटीवी फुटेज से कैप्चर की हुई फोटो है, और यहाँ पर ये देख सकते हैं कई इसमें जुवेनाइल भी हैं। जिन हाथों ने पत्थर चलाए अब उनके चेहरों तक पुलिस पहुँच गई है, यानी जो भागे भागे फिर रहे हैं, लुका छिपी का खेल खेल रहे हैं। प्रयागराज पुलिस ने पोस्टर जारी कर सीधा मैसेज दे दिया है, वही जो गिरफ्तार हो चुके हैं उनके खिलाफ भी बुलडोजर वाला एक्शन किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। हमारे पास इस वक्त एक कागज ऐसा है जो ये बताता है कि इस कार्रवाई को आगे कैसे बढ़ा रही है पुलिस। प्रयागराज पुलिस ने 37 लोगों के नाम पीडीए को दिए हैं, ये वही अरेस्टेड लोग हैं। इसकी कॉपी इस वक्त एक्सक्लूसिव आज तक के पास है, जिसमें आप देखेंगे एक से शुरू होता है 17 तक इस पेज पे नाम आपको नजर आएंगे, और ये कुल 37 नाम आपको यहाँ पर नजर आएंगे। ये 37 वही लोग हैं जो अरेस्टेड हैं, और इनके खिलाफ भी इनके घरों को, इनकी उन इमारतों को चिन्हित किया गया है जो कहीं ना कहीं लीगल हैं। ये जमींदोज इमारत पत्थरबाजी के मुख्य आरोपी जावेद मोहम्मद की है। 37 और आरोपियों के घर चिन्हित किए जा चुके हैं। संदेश साफ है, पत्थर चलाया तो अब उसका दंड भी भुगतो। कार्रवाई के साथ साथ प्रयागराज पुलिस हाई अलर्ट पर है, क्योंकि जावेद के घर से पुलिस को मिले पर्चे में साजिश के बड़े संकेत मौजूद हैं। उसमें ये जो मुख्य आरोपी अभी तक सामने आया है मोहम्मद जावेद उर्फ जावेद पंप, उसका जब घर का ध्वस्तीकरण हुआ था तो उसके पहले सर्चिंग हुई थी, कुछ पर्चे मिले थे फटे हालत में, उसमें यही लिखा था कि अटाला चलना है, जुमा के दिन अटाला पे इकट्ठे होना है, भीड़ लगाना है, वहाँ पे जो अड़चन बनेगा उस पर वार करना है, अदालत पे भरोसा नहीं है, इस तरह की आपत्तिजनक बातें 4-5 लाइनों में लिखी हुई थी, जिसको पुलिस ने कब्जे में लिया था, सील किया था, अब उसको तफ्तीश में भी शामिल किया जा रहा है। प्रयागराज पुलिस के मुताबिक आरोपी जावेद के घर से हथियार के साथ पर्चे मिले थे, जिन पर्चों में पत्थरबाजी वाली पूरी टूल किट की स्क्रिप्ट दर्ज है। इस जुमे को लेकर प्रयागराज में क्या तैयारी है समझिए। सब लोगों को ये शांति की अपील की गई है, सभी लोग अपना कार्य करें, और जो उपद्रवी थे उन्हें चिन्हित कर लिया गया है। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ फुल स्पीड में एक्शन हो रहा है। फरार आरोपियों की धरपकड़ के लिए पोस्टर जारी किए जा चुके हैं, और ऐसी वारदात दोबारा ना हो लिहाजा बुलडोजर अपने काम पर है। प्रयागराज के अटाला में एक बार फिर से बुलडोजर की वापसी हुई है, और मेरे ठीक पीछे आप देखेंगे कि यहाँ पर बुलडोजर एक बार फिर आ चुका है, और इस वक्त यहाँ से फिलहाल ये किसी इमारत को ढहा नहीं रहा है बल्कि यहाँ रखे पत्थरों को हटाने का प्रयास कर रहा है। पहले इनको तोड़ रहा है, फिर इनको उठा रहा है, और फिर जो यहाँ पर नगर निगम की बसेस आप देख सकते हैं, ये देखिए इन बसेस में इनके नजदीक जाता है और इसमें उस ईंटे को वापस डालता है।
पूरे इलाके से ईंट और पत्थरों को हटाया जा रहा है। वहीं स्थानीय लोगों में अभी भी डर का माहौल बना हुआ है। ऐसा लग रहा है कि बुलडोजर चलेगा, आज भी न्यूज में हमने सुना कि बुलडोजर चलेगा तो प्रशासन की तरफ से, वैसे अब हम लोगों को कुछ नहीं पता। बुलडोजर की जो कार्रवाई है उसको कैसे देखते हैं? सर बुलडोजर कार्रवाई यहाँ पर तो कोई ऐसी इंडिकेट चीज़ है भी नहीं, जो मकान पुराने थे उसी को तोड़ के यूज़ कराए लोगों ने, अब यहाँ पर बुलडोजर चला करके तोड़ के क्या फ़ायदा है? जो यहाँ पे शांति है वो भी सब खराब हो जाएगी, सारे लोग परेशान होंगे, घर में बाल बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? इनके हालात भी अचानक बाहरी पब्लिक आई यहाँ पास, किसके बुलावे से आई आज तक ये पता नहीं चल पाया, अचानक लोग यहाँ आए, उपद्रव हुआ, पुलिस से पथराव हुआ और उसके बाद आज वो क्षेत्रीय लोग जो है दहशत में है, अपनी दुकान नहीं खोल रहे हैं। आला अधिकारियों से निवेदन है कि आकर लोगों से कहें कि आप अपनी दुकान खोलिए, शांति बहाल करिए और आपके जरिए तो मैं कहना चाहता हूँ तो आवाज पहुँचाइए, उन लोग जो है दुकान खोलने का लोगों से आकर आदेश करें। दुकानों पर लटकते तालों को खुलवाने के लिए पुलिस प्रशासन ने स्थानीय लोगों से अपील की। प्रयागराज में हिंसा के बाद लगातार पुलिस की पेट्रोलिंग जारी है। आप तस्वीरों में देखेंगे आईजी, डीएम और एसएसपी सभी यहां पर एक तरह से फुटमार्च कर रहे हैं। पेट्रोलिंग इनके पीछे बड़ी तादाद में जवान उत्तर प्रदेश पुलिस के हैं और आईजी खुद पूरी तरह से इसको लीड करते नजर आ रहे हैं। एसएसपी और यहां पर आप देख सकते हैं वो आरएएफ के जवानों से लगातार जाकर बातचीत कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं और इसमें डीएम भी मौजूद हैं, संजय खत्री साहब हैं, एसएसपी अजय हैं और इसके साथ आईजी साहब मौजूद हैं जो पूरी तरीके से इस पूरे मूवमेंट को लीड कर रहे हैं और एरियाज को देख रहे हैं। और यहाँ इस वक्त देखिए मस्जिदिया इस्लामिया इंटर कॉलेज की तरफ यहाँ पर आए हैं और ये वही एरियाज हैं, सेंसिटिव एरियाज हैं जहाँ से भीड़ कहीं ना कहीं निकली थी और उन इलाकों में गई थी जहां पर पथराव हुआ। और आप ये देख सकते हैं यहां पर आरएएफ के जवानों की टुकड़ियां हैं और यहीं से जो है आप देख सकते हैं लगातार पेट्रोलिंग चल रही है। 10 जून को पत्थरबाजी हुई, वो जुमे का दिन था, अब 17 जून को फिर जुमा है। स्थानीय लोगों के साथ साथ प्रशासन की यही कोशिश है कि हालात जल्द से जल्द सामान्य हो जाए। समर्थ श्रीवास्तव, प्रयागराज, आज तक।